सुपर हाईवे पर वाके डीएचए सिटी मंसूबे में तरक्याती काम तेजी से पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं। बंगलोज और फार्म हाउसेज भी बड़ी तादाद में जेरे तामीर हैं। कुछ माह कबल कायम होने वाली डीएचए सिटी एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के सदर अकील खान की क्यादत में रियल एस्टेट एजेंट्स के वफद ने डीएचए सिटी के तरक्याती कामों का दौरा किया। रवानगी से कबल इन्वेस्टर्स होम के सीईओ और इस नई एसोसिएशन के सदर अकील खान के दफ्तर में ब्रीफिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर रियल्टर्स भी शरीक हुए। वहां से वफद ने सफर का आगाज किया। मलीर कैंट से होते हुए वफद सुपर हाईवे के जरिए डीएचए सिटी पहुंचा। डीएचए सिटी शहर के मरकजी इलाके से 56 किलोमीटर दूर कराची से हैदराबाद जाते हुए सुपर हाईवे पर दाएं जाने वाके है। यहां पहुंचने के लिए अब बाईपास बना दिया गया है, जो सुपर हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर के जरिए डीएचए सिटी में उतर जाता है। डीएचए सिटी के अफसरान ने वफद अराकीन का विजिटर सेंटर में इस्तकबाल किया और इब्तदाई ब्रीफिंग दी। के स्टेशन की पूरी टीम है और साथ में हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फर्दर यहाँ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि डीएचए हमें यहाँ पे कोई भी डीएचए हमें कोई पार्टनरशिप ऑफर करता है बड़े प्रोजेक्ट में, अपना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, विलाज में और जॉइंट वेंचर में हम काम करने को तैयार हैं, चाहे वो अपना स्मॉल हाउसेज हों, बड़े बिल्डिंग्स हों, फ्लैट्स हों, इसमें हम बिल्कुल हम तैयार हैं जी। प्रमोट करने के लिए हम सिर्फ डीजे सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा जातियात में हमें किसी किस्म का कोई बेनिफिट डीजे से नहीं चाहिए, डीजे सिटी से नहीं चाहिए। हम उल्टा ये सारे बेनिफिट्स अपनी पूरी ये इंडस्ट्री इसको डिलीवर करेंगे। इब्तदाई ब्रीफिंग के बाद अराकीन को चाय पेश की गई। प्रोजेक्ट से मुतालिक बड़ी स्क्रीन पर नक्शों की मदद से भी ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद अराकीन को डीएचए सिटी के अंदर होने वाली तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट का मुशाहिदा कराया गया। दौरे के दौरान बड़ी तादाद में फ्लैट्स, बंगलोज, फार्म हाउसेज ज़ेरे तामीर नजर आए। वफद ने तालीमी इदारों और अस्पताल के मंसूबे भी देखे। इस दौरान अराकीन अफसरान से मालूमात भी लेते रहे। दौरा कई घंटे जारी रहा, जिसके बाद अराकीन के लिए जहराने का एहतमाम किया गया। देखें जी, यहाँ मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है कि आलमोस्ट जो सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 14 तक तमाम आलमोस्ट डेवलपमेंट जो आलमोस्ट 90% कम्प्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कोर कमांडर साहब से और मैं एडमिनिस्ट्रेटर डीजे साहब और प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीसी के कि आप जो है यहाँ पे वो सेक्टर अभी कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ौरन खोलें जहाँ पे स्मॉल यूनिट्स हैं, जैसे 125 गज़, 200 गज़ और 300 गज़ के जो जहाँ पे छोटे प्लॉट्स हैं। क्योंकि देखें, बड़े प्लॉट अगर खोलने जा रहे हैं जैसे सेक्टर 5 और 7, तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है कि देखें ये यहाँ बड़े जो प्रोजेक्ट आप बनाने जाएंगे, बड़े यूनिट 500, उसमें कम से कम 3 करोड़ रुपया चाहिए होगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं लगाएगा इस टाइम, कोई भी डेवलपर और ना कोई इन्वेस्टर लगाएगा। उसी तरह 1000 गज़ में 4 से 5 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। तो छोटे यूनिट कोई भी 3-4-5 मिलियन लगा के 125-200-300 गज के घर तैयार करके रेडी कर देंगे जी। अब मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ स्पेशली डीएचए और मुअज्जज कोर कमांडर साहब को कि देखें, आप कोई ऐसे यहाँ पे इवेंट्स करें जो पब्लिक अट्रैक्शन के इवेंट्स करें, जैसे अभी 6 सितंबर आ रहा है, योम शौदा आ रहा है, उसके बाद 14 अगस्त आ रहा है, तो इसमें कोई ऐसे प्रोग्राम करें जैसे फैमिलीज गालाज करें और पाक आर्मी को खराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम करें, इसके साथ में फैमिली गालाज और म्यूज़िकल प्रोग्राम करें। पब्लिक हम लेके आएंगे 1000, 2000, 5000 जितनी पब्लिक बोलेंगे इंशाल्लाह वो डीसी के एसोसिएशन लेके आएगी। तो हम डीएचए के साथ हर तरह का कोऑपरेट करने को तैयार हैं यहाँ पे। आज हम यहाँ डीएचए सिटी में आए और हमें मधु भी किया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर प्रोजेक्ट कर्नल जाय साहब का और डिप्टी डायरेक्टर साहब, उन्होंने हमें पूरा यहाँ पे हमारे साथ पूरी कोऑपरेशन की और हमें पूरे जितने भी इनके नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो विज़िट कराए गए। हर जगह का बड़ा थारोली हमने विज़िट किया, सारे सेक्टर आलमोस्ट देखें, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारी नॉलेज में नहीं थी, आज वो चीज़ें भी सारी हमने देख ली। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी है कि देखें, यहाँ पे इनके स्कूल जो है फंक्शनल हो चुके हैं। तकरीबन आई थिंक नियर अबाउट 600 चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। साथ में सुभाष यूनिवर्सिटी आलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बल्कि उसका जो एक विंग है वो इंजीनियर्स का, सिविल इंजीनियरिंग, वो भी अपना एक्टिवेट हो चुका है। तो इसके साथ में इनका जो हॉस्पिटल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर फंक्शनल हो चुका है। इसके साथ में मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कुछ यहाँ पे ये सेक्टर 3 के हाउसेस बन गए हैं, इन घरों को रियल एस्टेट एजेंट्स को बड़े मुनासिब रेंट पे दिया जाए, ताकि वो लोग यहाँ पे आएँ, इन्वेस्टर आएँ, फैमिलीज यहाँ रखें और उनको कुछ बेनिफिट भी दिया जाए एजुकेशन का 50% डिस्काउंट के साथ, ताकि ये फैमिलीज यहाँ पे आएंगी तो डीजे सिटी आबाद होगा। इसी के साथ रियल एस्टेट वालों के लिए मैंने बात की, रियल एस्टेट के एजेंडे पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर काफ़ी कामयाबी हुई कि अब ये अथॉराइज डीलरशिप की तरफ भी डीएचए इंशाल्लाह इस पर भी वो आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की तरफ भी आ रहे हैं,
और ये हमें यहाँ पे ऑफिसेज की बात चल रही है, इंशाल्लाह ऑफिसेज भी जल्द रियल स्टेट वालों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑफिसेज तो वो डायरेक्टरेट में दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो जनरल मेम्बरान है उनकी यही ख्वाहिश है कि हमें जैसे मेन सीबीडी रोड पे कंटेनर रख के यहाँ पे ऑफिसेज दिए जाएँ। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही जब कोई इन्वेस्टर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो एकदम फ्रंट पर आते हैं, डायरेक्टरेट जो है ना वो एक थोड़ा सा साइड पर हो जाता है। तो DHO को प्रमोट करने के लिए DC एरिया अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, वो अलहमदिल्ला हम इसमें कामयाब भी हुए हैं।